पाकिस्तान से लौटी गीता को पाने के लिए दरभंगा के एक परिवार ने अपना दावा ठोका है। हायाघाट प्रखंड के हवासा गांव की शोभा देवी और उसके परिवार का दावा है कि गीता उनकी बेटी है। दरअसल गीता के लिए सुषमा स्वराज वीडियो अपील और शोभा की बेटी गुड्डी के गायब होने में कई ऐसी समानता है जो गीता को शोभा की बेटी साबित करते हैं। पाकिस्तान से लौटी गीता मूक बधिर है तो शोभा की गायब बेटी भी मूक बधिर है। गीता का असली नाम गुड्डी है तो वहीं शोभा की गायब बेटी का नाम भी गुड्डी है। गीता भी तकरीबन 12-13 साल पहले भटक कर पाकिस्तान चली गई। शोभा की बेटी भी तकरीबन इतने ही सालों से लापता है। वीडियो के अनुसार गीता बिहार झारखंड के ही किन्हीं जिलों की है तो शोभा भी बिहार के रहने वाली है। अब इन तथ्यों का हवाला देकर परिवार गीता को अपनी गायब बेटी बता रहा है। हमारे बच्चे खेले खेले छेले 10 गो बच्चा है। हम गए लिए खाना दे ले अपना दुल्हा को काम पकेलखिन ओते काल ने खाना दो के लिए आधा घंटा के बाद नहीं नहीं छेले 10 गो बच्चा खेले छेले वो नहीं छे। आपको लगता है कि वही बच्ची है जो पाकिस्तान से आई है? हाँ हाँ। आप लोग वहाँ पे क्या करते थे हरियाणा में? खेती पथारी के काम। आपके पति अभी वहीं रहते हैं? हाँ, अभी क्या करते हैं? अभी कंपनी में काम। तो ये जो बच्ची है उसके लिए डीएनए टेस्ट मतलब ब्लड जांच करवाया जाएगा, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? सरकार से क्या मांग करती हैं, क्या कहना चाहती हैं अपनी बच्ची के लिए? बच्ची के तो कहते हैं जो हमारी बच्ची है तो दे दें। का बात अगर व्हाट्सएप दे रही है तो उस चीज़ को हम थोड़ा गौर से देखें। और ये बच्चा हम दावा के साथ कह रहे हैं कि वो बच्चा शायद मेरा है। वहीं परिजनों ने गीता को अपनी बेटी बताते हुए स्थानीय विधायक से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। क्षेत्र हवासा से सीतमा जी शोभा देवी की वो बता रही है कि ये बच्ची मेरी है और सिम्टम से लगता है कि वो बता रही है मेरी बच्ची गूंगी थी, उसका भी नाम गुड्डी था। ये हरियाणा गुड़गांव में काम करती थी, उनका पति वहाँ कोई फैक्ट्री में काम करते थे। तो भटक के हो सकता है कि उस बच्ची जो 12 साल पहले इनकी गायब हुई थी, तो सिम्टम मिलता है कि उनका बच्ची हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो जितना मदद हो पाएगा प्रशासनिक स्तर पर जिला प्रशासन से के द्वारा या हम विदेश मंत्रालय से खुद संपर्क करके इस परिवार को उस बच्ची से मिलवाने का काम करेंगे। गलती से सरहद पार पहुंचने वाली मूक बधिर लड़की गीता को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कई प्रयासों के बाद 26 अक्टूबर 2015 को स्वदेश लाया गया था। बेटी अपने परिवार से मिल सके इसके लिए सुषमा स्वराज ने एक अपील वीडियो जारी किया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों से कई परिवारों ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा ठोका था। बहरहाल गीता कब तक अपने असली परिवार के पास जा पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। दरभंगा से संतोष तिवारी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।